हेलो क्लास, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 11 इन साइंस। चैप्टर 11 है हेवेनली बॉडीज। हेवेनली बॉडीज मतलब क्या होता है? खगोलीय पिंड यानी आकाशीय पिंड। ठीक है, आकाश में हम जो जो चीज देखते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेट्स नो, चलिए जानते हैं अबाउट द अर्थ एंड सन। किसके बारे में पढ़ेंगे? अर्थ और सन के बारे में, पृथ्वी के बारे में और सूर्य के बारे में जानेंगे, ठीक है। अबाउट द शैडोज एट डिफरेंट डे टाइम, और किस बारे में जानना है? शैडो यानी छाया, एट डिफरेंट डे टाइम। दिन भर में हर समय में हमारा जो छाया है वो चेंज होते जाता है ना, अलग अलग शेप बनता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। द यूनिवर्स इंक्लूड्स द सन मून स्टार्स प्लैनेट्स एटसेट्रा। हमारा जो यूनिवर्स है, ऊपर जो हम खालीपन देखते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड है? सन मून स्टार्स प्लैनेट्स एटसेट्रा, सूरज चंद्रमा तारे और ग्रह, ये सभी मौजूद हैं, है ना। सबसे पहले हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ यानी हमारी पृथ्वी। इट इज द ओनली प्लैनेट इन यूनिवर्स वेयर लाइफ इज पॉसिबल। इट इज द ओनली प्लैनेट इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में एक ही ऐसा प्लैनेट है जिसमें जीवन संभव है ना, लाइफ इज पॉसिबल, जिसमें जीवन संभव है, मतलब जीव जंतु रहते हैं। इट इज राउंड इन शेप बट स्मॉलर देन सन। इट इज राउंड इन शेप, यह आकार में गोल है लेकिन सूर्य से छोटा है, है ना। स्मॉलर देन सन मतलब सूर्य से छोटा है। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। द अर्थ रोटेट्स, अर्थ क्या करता है? घूमता है। कहां? ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपने अक्ष में घूमता है, ठीक है। जैसे लट्टू अपने अक्ष में घूमता है, उस तरह से पृथ्वी भी अपने जगह में घूमती है। दिस काउजेज डे एंड नाइट, और इसी के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के घूमने के कारण दिन और रात होते हैं ना। अब है सन। सन यानी सूरज, सूरज के बारे में हम लोग जानेंगे। द सन इज अ बिग बॉल ऑफ ग्लोइंग गैसेस। सूर्य क्या है? एक हम लोग कह सकते हैं एक आग का गोला है ना, उसके अंदर गर्मी है। इट इज हॉट ब्राइट गिव्स अस हीट एंड लाइट। इट इज हॉट या कैसा, ये गर्म है, ब्राइट है और ये हमें गर्मी प्रदान करता है ना। इट इज मेनी टाइम्स बिगर देन द अर्थ बट लुक्स स्मॉलर एज इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ। इट इज मेनी टाइम्स बिगर देन द अर्थ, यह अर्थ से कई गुना बड़ा है ना। बट लुक्स स्मॉलर एज इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ, लेकिन यह छोटा क्यों दिखता है? क्योंकि यह पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी में है। इट इज अबाउट 148 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ, यह पृथ्वी से कितना दूर है? यह लगभग 148 मिलियन किलोमीटर दूर है। लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट सन, सन के बिना पृथ्वी में जीवन संभव नहीं है, है ना। अगर सूरज नहीं रहेगा तो जीवन पृथ्वी में नहीं होगा, हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। द सन इज अ स्टार, सन एक स्टार भी है, ये इसको हम तारा भी बोल सकते हैं ना, सूरज एक तारा है। इट मेक्स डे ब्राइट एंड वार्म, यह हमारे दिन को गर्म रखता है और हमें प्रकाश देता है। इट हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड। इट हेल्प्स द प्लांट, यह प्लांट की मदद करता है, कैसे? टू ग्रो है ना, उसे वृद्धि करने में, प्रिपेयर देयर ऑन फूड और उसे अपना भोजन बनाने में मदद करता है, ठीक है ना। अब है डायरेक्शन। डायरेक्शन इस क्या होता है? दिशा। द डायरेक्शन इन विच सन राइजेज इज कॉल्ड ईस्ट, जिधर सन राइज होता है यानी कि जिधर सूर्य उदय होता है, सूरज उगता है जिधर, उसे ईस्ट बोलते हैं ना, पूरब। एंड वेयर सन सेट्स इज कॉल्ड वेस्ट, और जिस दिशा में सूरज डूबता है उसको बोलते हैं वेस्ट यानी पश्चिम। द सन राइजेज इन द मॉर्निंग एंड सेट्स इन द इवनिंग, सूरज दिन में उगता है और शाम में अस्त हो जाता है।
यानी डूब जाता है। वी कैन फाइंड द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ सन, हमें अगर दिशा का ज्ञान प्राप्त करना है, हमें जानना है कि किस और कौन सा दिशा है, तो हमें सन का हेल्प लेना होगा, है ना, सूरज की मदद से। इफ वी स्टैंड फेसिंग द सन एंड स्ट्रेच आवर आर्म्स, लेफ्ट हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ एंड राइट हैंड पॉइंट्स टू साउथ। इफ वी स्टैंड फेसिंग द सन, अगर हम लोग सूरज के ओर फेस कर खड़े हो जाते हैं, एंड स्ट्रेच आवर आर्म्स, और अपने दोनों हाथों को उठा लेते हैं या फैला लेते हैं, क्या करना है, सन के फेस में अपना फेस करके खड़ा होना है और दोनों हाथों को ऊपर उठा के फैला लेना है। लेफ्ट हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ, हमारा जो लेफ्ट हैंड जिस तरफ होगा उसको हम लोग नॉर्थ बोलेंगे, ना, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा। एंड राइट हैंड पॉइंट्स टू साउथ, और दायां हाथ साउथ को पॉइंट करेगा, यानी कि दक्षिण दिशा को दर्शाएगा, ठीक है। शैडो यानी छाया, व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड, व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड, शैडोज इमर्ज, अगर किसी वस्तु के आगे लाइट पड़ता है तो उसके पीछे क्या होता है, लाइट ब्लॉक हो जाता है, लाइट जाने नहीं सकता है, और शैडो हमारा तैयार होता है, हमारे पीछे शैडो बन जाता है। शैडोज ऑलवेज फॉल इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, जिस ओर से लाइट पड़ता है उसके विपरीत दिशा में शैडो बनता है, छाया बनता है ना, उसके पीछे छाया बनता है। किसी भी वस्तु में जिधर से लाइट पड़ता है उसके पीछे साइड में छाया बनता है। द साइज ऑफ शैडो चेंजेज विथ द पोजिशन ऑफ द सन, द साइज ऑफ शैडो, हमारा जो शैडो है या भी किसी भी वस्तु का शैडो का जो साइज है, आकार है, वो चेंज होता है, कैसे, विथ द पोजिशन ऑफ द सन, सन के पोजिशन, जिधर जिधर सन घूमते जाता है उधर उधर शैडो चेंज होते जाता है। इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह और शाम में, शैडोज आर लॉन्ग, हमारा जो छाया होता है वो लंबा होता है। एट मिड डे शैडोज आर शॉर्ट, और मध्य डे को क्या होता है, शैडो छोटा होता है, यानी कि दोपहर में हमारा छाया छोटा बनता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है, वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से अपनी कॉपी में लिखेंगे उससे और याद करेंगे, ठीक है।